मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। हम दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। एक दिन मेरे पति को पैरालाइज हो गया। अब वो बिस्तर पर ही पड़ा रहता और रोता रहता। रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता था। मैं जब वहाँ जाकर देखती तो कोई भी नहीं होता। कुछ दिन के बाद मेरे पति का देहांत हो गया और इस बात को एक हफ्ता गुजर गया था। मुझे मेरे पति के इशारे याद आते। एक दिन नौकरानी नहीं आई तो मैंने सोचा मैं ही स्टोर रूम की सफाई कर देती हूँ। जब मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने एक ऐसी चीज़ मिली जिसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। कहते हैं ना, भगवान सबके साथ इंसाफ करता है और किसी के साथ हो जाता है। उन्हीं लोगों में से मैं थी। मेरा नाम कविता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत बड़े आदमी से कराई थी जो कि बहुत बड़े पोस्ट पे था। लेकिन वो मुझसे 15 साल बड़ा था। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम जब साथ बाहर घूमने जाते तो लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे। वो कहते कि तुम ज़्यादा खाया पिया करो ताकि तुम्हारा वजन बढ़ जाए, ताकि मैं भी उसके उम्र की लगने लगूं। एक दिन मैंने मजाक में कह दिया कि आप अपना वजन कम क्यों नहीं कर लेते, तो इतने में उसने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। अभी हमारी शादी को एक ही हफ्ता हुआ था और मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई और कहने लगा कि औरत हो, औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी औरतों को अगर काबू में ना रखा जाए तो पता नहीं क्या करोगी। इस घर में तुम मेरा खाती हो तो मेरे हिसाब से ही रहना होगा। तुम्हें मजाक करने का कोई हक नहीं है। मैंने कहा कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही थी, लेकिन उसने मेरी एक बात ना मानी और बहुत दिनों तक मेरी बातों का बुरा मानकर मुझे ताने देता रहता। मेरे लिए ऐसी चीज़ लेकर आता जिससे मेरा वज़न बढ़ जाए। मेरे लिए पिज़्ज़ा लाता, कभी बर्गर लाता, जबकि ये सब खाने की मेरी आदत नहीं थी। इसीलिए मेरा पेट खराब हो गया। तब भी उसने कहा कि खाओगी तो यही चीज़ें खाओगी, वरना नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से मेरा वज़न तो बढ़ गया, लेकिन मेरा शरीर बेढंगा सा हो गया। लोग मुझे कहने लगे कि शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया। मेरे ऊपर जो जुल्म हो रहे थे वो मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। मेरा पति है, मेरा खर्चा तो उठाएगा ही, लेकिन उसने अब वो भी बंद कर दिया था। कहने लगा तुम अपना खर्चा खुद उठाओगी, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसा चाहिए तो नौकरी की तलाश कर लो। जीवन में सुकून कहीं खो सा गया था। रोज़ कोई ना कोई हंगामा ज़रूर होता। मैं स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दी थी। कभी कभी तो मैं बच्चों के सामने रोने लगती, मन का दुख बाहर आ जाता था। वो बच्चे मेरी कहानी सुनकर हैरान हो जाते थे। मेरे पास और कोई नहीं था जिसे मैं अपना दुख बताती। मेरा पति कहता था जब तक पत्नी को मारो ना तब तक वो सीधी चाल नहीं चलती। इसीलिए मैं अपनी पत्नी को मार लेता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने ही मेरी बेइज्जती करता रहता। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी। मैं सबके सामने यही जाहिर करती कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। मैं हर कोशिश करती अपने पति को खुश करने की, लेकिन वो था कि उसे मेरे ऊपर गुस्सा ही आता। कभी कभी मुझे लगता था कि उसका किसी के साथ चक्कर है, क्योंकि जब वो मुझे मार लेता तो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता था और कभी उसके दोस्त मेरे घर आ जाते। मैं सारा दिन खाना बनाती थी। मुझे लगता था अब वो खुश हो जाए, लेकिन वो कभी खुश नहीं होता था। मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ खूब रिश्वत लेता था। उससे नई नई गाड़ियाँ लेता, फ़ोन बदलता रहता, अपने हर ख्वाहिश पूरी करता, लेकिन उसे मेरे खर्चे का कोई ख्याल नहीं होता था। अब तो हम पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गए थे कि ये लोग बहुत लड़ते झगड़ते हैं। एक दिन तो हद ही हो गई जब मेरा पति बिना वजह ही चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगा, मैंने कहा था ना अच्छा खाना बनाकर रखना, तुमने दाल बनाकर रख दिया। मैंने कहा अच्छा खाना खाना है तो पैसे भी देते ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मेरी सैलरी भी नहीं आई है। इस बात पर खूब लड़ा। कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ ही नहीं रहना है, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पहुँच गई। बोलते बोलते ही उसको दिल का दौरा पड़ गया। मैं जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, आप आने में लेट हो गई हैं, आपके पति को पैरालाइज हो गया है, बस ये अपनी आँखें और 3-4 उंगलियाँ ही हिला सकते हैं। मेरे पति ने गुस्सा किया और गुस्से में अपना ही नुकसान कर लिया और उनको अटैक आ गया। खैर, हम हफ्ते भर अस्पताल में रहे और फिर घर आ गए। लेकिन उसे अब भी अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। मैं ही उसका ख्याल रखती थी। जैसा भी था मेरा पति था। कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसके पति के साथ ऐसा कुछ हो। अब तो हमारे घर में पैसों की भी कमी हो गई। मैं नौकरी भी करती, घर का काम भी करती और इनको भी संभालती।
जब उसकी आंखें बदलने लगी तो सोचने लगा कि मेरी पत्नी जिसे मैंने इतना मारा, इतना बेइज्जत किया, अब वो ही मेरा ख्याल रख रही है। एक दिन मेरे पति ने अजीब सा इशारा किया था, मुझे लगा उसे बाथरूम जाना है। जब मैंने उसे पूछा तो वो मना कर दिया। मुझे लगा क्योंकि वो स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने पूछा कि तुम्हें स्टोर रूम में जाना है, तो भी उसने मना कर दिया। वो रोज़ रात को स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता। उसे देखकर मुझे भी रोना आता था, क्योंकि मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए और इन 5 सालों में उसने मुझे चैन की सांस लेने नहीं दिया था। उसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया है। शायद उसके किए की सज़ा उसे मिल गई थी। मैं उसे और सज़ा नहीं देना चाहती थी। वह बार बार रोता रहता और इशारे करता, लेकिन जब मैं वहाँ जाकर देखती तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक दिन उसकी कजिन हमारे घर आई और हैरत की बात यह थी कि वो उससे मिलने नहीं, मेरे पास आकर बातें करने लगी कि उसके फंड के पैसे आए। मैंने कहा पता नहीं कब मिलेंगे, मैं रोज़ फ़ोन करती हूँ ऑफिस में, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि इतने पैसों का क्या करोगी। मैंने कहा अपने पति का इलाज करवाऊंगी, हो सकता है दूसरे शहर जाकर इनका इलाज हो जाए और ये ठीक हो जाएं। वो बदतमीजी पर उतर आई और कहने लगी कि सारे पैसे ज़रूर तुमने ही रखे होंगे। मैंने कहा तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वो चली गई। मैंने सारी बात अपने पति को बताया। वो रोने लगे थे। वो मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन अब वो बोल भी नहीं पा रहा था। अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गई इनके चेकअप के लिए, तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि इनके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है, तुम चाहो तो दूसरे डॉक्टर को दिखा सकती हो। डॉक्टर हर महीने आकर चेक करते, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। बस वो स्टोर रूम देखकर रोते रहते। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये ऐसे ही रोते रहेंगे तो इनकी आंखें ख़राब हो जाएंगी। फिर एक दिन जब सवेरे मैं इनको जगाने गई तो ये उठ ही नहीं रहे थे। मैं समझ गई कि अब ये मुझे छोड़कर चले गए हैं। इस बात ने जैसे मेरी जान ही निकाल ली हो। जब डॉक्टर को बुलाकर चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि इनका देहांत हो गया है। डॉक्टर ने कहा जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि ये जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और ये बहुत तकलीफ़ में थे, तो भगवान ने इन्हें अपने पास बुला लिया, अच्छा किया। मैं रोने लगी। जैसे भी थे मेरे पति थे, उनको भी जीने का हक था। मैंने बहुत अच्छे से उनका क्रियाकर्म किया। कुछ समय नौकरी पर नहीं गई और घर पर ही रहती थी। मेरे घर में नौकरानी भी थी, वही सब काम करती थी। एक दिन मुझसे कोई औरत मिलने आई। नौकरानी ने आकर बताया कि उसके साथ बच्चे भी थे। मैं उस औरत से मिलने गई। मैंने कहा तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो वो कहने लगी मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ, वो मर गया, मैं अब अपना और बच्चे का हक लेने आई हूँ। 3 साल पहले तुम्हारे पति ने मुझसे छुपकर शादी की थी, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं अपना हक लेने आई हूँ। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए। उसने कहा मेरा इसमें क्या कसूर, तुम उसे पसंद नहीं थी तो उसने मुझ जैसी हसीन और खूबसूरत औरत से शादी कर लिया। मैंने कहा खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन मुझे बस सूरत कर दिया था। उसने कहा कि मर्द ऐसा क्यों करेगा, तुम्हारी किस्मत ही ख़राब थी। खैर अब वो दुनिया से चला गया है तो मुझे मेरा हक दो। मैंने कहा वो कुछ भी छोड़कर नहीं गया है, मैं अपना खर्चा खुद नौकरी करके उठाती हूँ, उसकी तनख्वाह और फंड अभी तक नहीं मिली है, जब मिल जाएगी तब मैं उसमें से आधा पैसा तुम्हें दे दूँगी। रही बात इस घर की तो ये किराए पर है जिसे मैं खुद चलाती हूँ, जब तक वो जिए 1 रुपया भी मुझे नहीं देता था, सब तुम पर ही लुटाता रहा होगा, तुमने बड़े ऐश किए होंगे, लेकिन मुझे 1 रुपया भी नहीं देता था। वो मुझसे लड़ने लगी और पूरे घर की तलाशी लेने लगी। मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। उसने कहा कि मैं तुम पर नज़र रखूँगी, जब पैसे आ जाएंगे तब मैं आऊँगी। मेरी नौकरानी ने कहा इस औरत को मैं जानती हूँ, बहुत बिगड़ी हुई औरत है, ये पहले अमीर आदमी को फंसाती है, उससे शादी करके उससे पैसे लेती है, ये तलाक के नाम पर बच्चों का खर्चा भी मांगती है। मुझे तो आज तक यही नहीं समझ आया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, जबकि मैं एक वफादार पत्नी थी, सिर्फ अपने पति से प्यार करती थी। मुझे उसका वो इशारा नहीं भूलता जो वो स्टोर रूम की तरफ कर रहा था। मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, बस अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। मेरे दिल में अब कोई मकसद नहीं रहा। मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे और मैं उनकी दूसरी पत्नी फ़ोन करके परेशान करती रहती। मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। मैंने नौकरानी से कहा कि वो भी काम छोड़कर चली जाए, क्योंकि उसे उसकी तनख्वाह नहीं दे सकती। एक दिन नौकरानी अपने घर से मेरे लिए खाना बना कर लाई और कहने लगी मैडम आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मैं आपके लिए बस खाना ही ला सकती हूँ।
उस दिन मुझे पता चला कि किसी इंसान के साथ अच्छा करो तो वो भी आपके लिए अच्छा ही करेगा। एक दिन मैं घर की सफाई करने लगी तो मेरे पति की याद आई, क्योंकि वो बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने सोचा स्टोर रूम की सफाई कर दूँगी। मैं अंदर गई और तब तक मेरा पैर फिसल गया, मेरा हाथ दीवार पर लग गया और मेरे हाथ में चोट लग गया। मैंने जब देखा तो दीवार के पीछे एक कमरा बना है। मैं ये देखकर दंग रह गई। उस दीवार के पीछे कमरा था और उसमें एक तिजोरी बनी थी। वहाँ ढेर सारा पैसा, सोना चांदी, बहुत सारी दौलत रखी हुई थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शायद ये सब उन्हीं रिश्वत के पैसे थे जो ये लिया करते थे। मैंने वहाँ से सब सामान निकाल लिया और उसे वैसे ही बंद कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। मैंने अपनी नौकरानी को बुलाया। मैंने उसे कहा कि इस घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने सोचा था दौलत का कुछ हिस्सा अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूँगी, लेकिन नौकरानी ने कहा कि वो दोनों बच्चे तुम्हारे पति के नहीं हैं। वो औरत झूठ बोल रही थी। वो ऐसे ही झूठ बोलकर पैसे ऐंठती रहती है। मैंने नौकरानी को कुछ पैसे दे दिए, बाकी की दौलत लेकर दूसरे शहर चली गई। अब मैं यहाँ दूसरी नौकरी करती हूँ। अपने पास अपना घर और गाड़ी भी है। बाकी के पैसे से अपने पति के नाम से एक अनाथ आश्रम बनवा रही थी, क्योंकि ये पैसे तो उन्हीं के थे। तो कुछ अच्छा काम करना चाहती थी। मैं अकेली थी और ऐसे ही अपना गुजारा करना चाहती थी, क्योंकि अब मैं इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।